हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की। पहले दो लेक्चर्स में मैंने जैसे आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताया था हैलोएल्केन्स हैलोरिन्स का, उसके बाद मैंने आपको दो लेक्चर्स में दिया था उनकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इस आधार पे की गई थी कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp3 था, sp2 था, sp था, वो क्लासिफिकेशन के लेक्चर में आप सुन सकते हैं। आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपको, केवल और केवल हैलोएल्केन्स की प्रिपरेशन का, और वो भी केवल अल्कोहल से कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा भी हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, और पहला टॉपिक डाला है फ्रॉम अल्कोहल्स। 10th क्लास से आपको पढ़ाया गया है, आप जानते भी है अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला होता है ROH, और ROH से आपको बनाना है RH। तो क्या चेंज दिखाई दे रहा है आपको अल्कोहल और इस दोनों में? भाई यहाँ से OH नेगेटिव को हटा दिया है, एक्स नेगेटिव को लगा दिया, सिंपल सी बात है। अब ये एक्स नेगेटिव देने वाला कौन है? एक्स नेगेटिव देगा HX, हैलोजन एसिड। दो एग्जांपल ले रहा हूं, केवल HCl और HBr। अगर मैं HCl लूंगा तो RCl बन जाएगा, HBr लूंगा RBr बन जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए अलग अलग जो अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, उनकी कंडीशन अलग अलग है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की कंडीशन तो सेम है, जैसे मैं उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ, उनकी तरफ थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इथेनॉल ले लेते हैं, CH3CH2OH, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, आप सब जानते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से आप OH लगा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। इसका रिएक्शन अगर मैं HCl से कराता हूँ, मान लीजिए देखिए, तो यहाँ पे कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो लिखनी बेहद जरूरी है एरो के ऊपर, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड एसिड। तो वही होगा जो ऊपर मैंने करा रखा है। ऊपर मैंने क्या करा था, एक्स OH नेगेटिव बाहर जाएगा, एक्स नेगेटिव आ जाएगा इसकी जगह। तो यहां पे वही होगा, OH नेगेटिव जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा। प्रोडक्ट मेरा एक बन रहा है क्लोरोइथेन, CH3CH2Cl प्लस क्या, वाटर। वाटर क्यों, OH नेगेटिव H प्लस बनाने वाटर। सेम यही कंडीशन HBr के लिए है, लेकिन इस बार मैं अल्कोहल बदल रहा हूं, सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं और अच्छा बताने के लिए, CH3OH प्लस HBr। सेम कंडीशन ऊपर वाली है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एसिड, OH नेगेटिव जाएगा, Br नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका 2-ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, CH3Br प्लस वाटर। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये जो कंडीशन मैंने लिखी ना एरो पे, ये केवल प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर लागू होगी और सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर लागू होगी। जब भी इन दोनों का रिएक्शन या तो HCl से कराए या HBr से कराए। यहां मैंने दो एग्जांपल दिए आपके लिए अलग अलग, आप इसमें HCl ले सकते हैं, सेकेंडरी के केस में HCl ले सकते हैं और प्राइमरी केस में HBr भी आप ले सकते हैं। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है जी, कदर ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाई टर्शियरी अल्कोहल से कैसे आपका हैलोएल्केन बनने वाला है, उसके लिए मुझे टर्शियरी अल्कोहल लेना पड़ेगा आपके लिए। देखिए मैं इसको ले लेता हूं, CH3CH3CH3OH। इससे मान लीजिए मैंने क्लोरो अल्केन बनाना है, तो इसका रिएक्शन मैं सिंपल कराऊंगा कंसंट्रेटेड HCl के साथ, इसके साथ करा रहा हूँ कंसंट्रेटेड HCl के साथ, और कुछ नहीं करना है इसको, ना बॉईल करना, कुछ नहीं करना, सिंपल शेक करना है। टेस्ट ट्यूब में दोनों मिला के आप सिंपल शेक कर दीजिए इसको, तो शेक करेंगे तो OH जाएगा, Cl आ जाएगा आपका, CH3 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 Cl प्लस H2O। लेकिन जब हम टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन HBr से कराएंगे, किससे करा रहा हूं, HBr से, तो वो आपने कंसंट्रेटेड नहीं लेनी, वो लेनी 48%। 48% समझते हैं मेरे ख्याल से कि 100 ग्राम अगर मास है सॉल्यूशन का, उसमें 48 ग्राम HBr सॉल्यूशन में। तो यहां कंडीशन भाई, और यहां पे बॉयल करना पड़ेगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, बॉयल। ये कंडीशन बदल गई टर्शियरी अल्कोहल के केस में, यहाँ पे कोई एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं है, कोई एसिड नहीं है, एक में शेक किया एक में बॉयल करना पड़ेगा आपको सिंपल। तो कंडीशन वही बनेगी, यहाँ Cl है ना, Br आ जाएगा, CH3 ऊपर भी CH3
नीचे भी सी एच थ्री और बी आर प्लस में वाटर। ये कंडीशन है केवल क्या बनाने के लिए, जब प्राइमरी में लिया था सेकेंडरी लिया था टर्शियरी लिया, सिर्फ मैंने क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन बनाया है, ठीक है जी। आयोडो के लिए एक अलग कंडीशन है, अब इसके बाद आपको बताएंगे, तो थोड़ा फोकस कीजिए। हम बनाने वाले हैं आयोडो एल्केन, इससे पहले बनाए थे क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन। प्राइमरी सेकेंडरी कंडीशन में क्या था, ध्यान होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड था, और टर्शियरी केस में अलग अलग कंडीशन थी जिससे बताया गया था आपको। अब मैं स्पेशल बनाने आ रहा हूँ एल्कोहल की मदद से आयोडो एल्केन। आई कहां से आएगा, देखिए आई आएगा, आप किसी कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी ले लीजिए, मैंने आर ओ एच से डिनोट कर रहा हूं इसको। ये प्राइमरी एल्कोहल भी हो सकता है, इथेनॉल ले लिया, ये टू प्रोपेनॉल हो सकता है सेकेंडरी हो जाएगा, टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल टर्शियरी हो जाएगा, इट मे बी एनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इसका रिएक्शन आप सिंपल कराना है, या तो के आई ले लीजिए या क्या लेंगे एन ए सोडियम हाइड्राइड प्लस आगे लिख देता हूँ आर ओ एच, दो रिएक्शन ही बता देते हैं। चलिए आपको इन द प्रेजेंस ऑफ 95% फॉस्फोरिक एसिड, सिर्फ यही कंडीशन इस केस के लिए भी होगी, होना वही है, ओ एच नेगेटिव जाएगा आई नेगेटिव आ जाएगा। पहले केस में मैंने आर आई प्लस के ओ एच, तो दूसरे केस में क्या बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, आर आई प्लस एन ए ओ एच। ये कुछ सिंपल से मेथड थे एल्कोहल से, पर एल्कोहल अभी खत्म नहीं हुआ, दो तीन मेथड और भी हैं जो इसके बाद कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान कीजिएगा। अब हम कुछ और मेथड डिस्कस करने वाले हैं जहां पे एल्कोहल की मदद से हैलोजन बना लेते हैं। एक जनरल मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसे एनसीईआरटी वाली बुक में लिखा हुआ है, आर ओ एच का जब भी आप रिएक्शन कराएंगे किसी हैलोजन के साथ एक्स टू ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या होगा, वही होगा आर एक्स आपका बन जाएगा। अब यहां तो मैंने आर एक्स लिखा है, लेकिन आर एक्स के अलावा कुछ और प्रोडक्ट भी बनते हैं। यहाँ पे हैलोजन कौन कौन से लेने वो ध्यान रखिएगा, या तो बी आर टू लेना है या सी एल टू लेना है। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि पहले ये दोनों जने रिएक्ट करते हैं फॉस्फोरस और हैलोजन, तो अगर फॉस्फोरस और ब्रोमीन रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे पी बी आर थ्री, और अगर फॉस्फोरस और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे पी सी एल थ्री। मेरा कहने का मतलब है कि जो मेन रिएक्शन है इस रिएक्शन का वो ये हो रहा है, या तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा PCl3 से, या अल्कोहल रिएक्ट करेगा PBr3 से, क्योंकि ये बीच में बनते हैं इस रिएक्शन की, ठीक है जी, ये मेन रिएक्टेंट आपके। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछता है, तो क्या करना है, जब PCl3 है Cl3 है, यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल लेने अल्कोहल के, PBr3 में तीन Br है, तीन ही मॉलिक्यूल लेने अपने इस अल्कोहल के, तो प्रोडक्ट दो बनने वाले हैं। कैसे देखिए, तीनों OH जाएंगे, तीनों Cl आ जाएंगे, तो आपके तीन मॉलिक्यूल बनेंगे क्लोरोएल्केन्स के, ऐसे तीन मॉलिक्यूल बनेंगे ब्रोमोएल्केन्स के, प्लस क्या बनने वाले हैं एच थ्री, ये तीन वर्ष यहीं से आए हैं, पी ओ भी तो तीन है, इट इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड, इस केस में बनेगा एच थ्री पी ओ थ्री। ये मेथड केवल और केवल क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन को बनाने को है। अच्छा जी, पी एक्स थ्री में पी सी एल थ्री और पी बी आर थ्री के अलावा एक और कमांड होता है पी सी एल फाइव, और PCl5 का इस्तेमाल केवल आपने क्लोरोएल्केन बनाने के लिए करना है। जैसे कि मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ROH प्लस में PCl5, देखिए यहां पे एक ही मॉलिक्यूल लेना, पांच नहीं लेना उसकी तरह, जैसे पिछले में तीन मॉलिक्यूल थे ना PCl3 में, तीन आपने अल्कोहल लिए थे, पांच Cl5 का जो अंतर थी पांच नहीं लेने, आप एक ही मॉलिक्यूल लेना है, तो एक OH जाएगा, एक Cl आपका आ जाएगा, और Cl प्लस ये जो H है ना OH का H, एक Cl और लेगा HCl प्लस P O
CL3। ये रिएक्शन को ध्यान रखना आपने, कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा उसके हिसाब से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये दोनों कॉमन रहेंगे। इसके अलावा एक और रिएक्शन है अल्कोहल का ही, अगर हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन थायमिनिल क्लोराइड से कराते हैं, फॉर्मूला होता है SOCl2। क्या होता है? SOCl2। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहां से OH नेगेटिव जाएगा, यहां से Cl नेगेटिव आ जाएगा, RCl प्लस, ये जो H है ना, यहां से Cl जो बची है उसको लेगा HCl, HCl गैस फॉर्म में निकलेगी यहां से, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा SOO, SO2, ये भी गैस है। ये जो रिएक्शन है इसकी मदद से आपको जो हैलोकेन बनेगा वो प्योर हैलोकेन बनेगा, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैस फॉर्म में उड़ जाते हैं, तो केवल क्या बचेगा आपके पास, RCl। इससे पहले जितने मेथड बताए थे उनमें बाई प्रोडक्ट जो थे गैस में थे, इसलिए इस मेथड को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है हैलोकेन्स को बनाने के लिए। तो ये सारे मेथड से केवल एल्कोहल से हम कैसे हैलोकेन्स को बनाते हैं, इनको आप रिएक्शन को आप ध्यान से लेक्चर को सुने। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, खासकर केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच में, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर में मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स की मदद से कैसे हैलोजन्स बनाए जाते हैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको, ठीक है जी? ओके, थैंक यू।